Greetings guys, in this video we're gonna read the poem High Windows by Philip Larkin. And this uh, poem ke saad saad, apko notes, milenge. introduction, paraphrasing, critical analysis, the things which you can see on the screen right now. The above things would be provided in the uh, at the end of this video. So let's jump into the video. Alright, right. All right, I want to tell you one thing. This poem, High Windows by Philip Larkin, is written in the book called High Windows. ठीक है book का नाम भी volume थी poems की ठीक है तो उसका नाम भी High Windows था और उसमें एक poem है जिसका नाम High Windows है वो हम आज पढ़ेंगे So let's begin. When I see a couple of kids and guess he's fucking her and she's taking pills or wear a tie from आई नो दिस इज पैराटाइज सो वो कह रहा है फिलिप लाकिन कह रहे हैं ठीक है तो फिलिप लाकिन बेसिकली वॉट ही इज़ डूइंग मैं आपको पहले बता देती हूँ फिलिपलान इज़ कम्पेयरिंग द ओल्डन जनरेशन एंड द यंगर जनरे दोनों जनरेशन को कम्पेयर कर रहे हैं किस में सेक्चुअलिटी में कि कैसे उनकी सेक्चुअल एक्टिविटीज़ ओल्ड जनरेशन की कम होती थी बट आज की जनरेशन सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज है फिलिप लार्किन कहते हैं मैंने सी ए कपल ऑफ किड्स जब मैं बच्चों को देखता हूँ यंग जनरेशन को और देखता हूँ कि वो आ, क्या कर रहे हैं सेक् एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं और जो लड़की है वो क्या कर रही है पिल्स ले रही है क्यों ले रही है बिकॉज माइट शी हैव सेक्स विद समवन और उसने पिल्स खाए ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए और वेयरिंग अ डाइफ्राम ठीक है पहले क्या होता था कि आ, डायफ्राम यूज़ करते थे ना कि प्रेग्नेंट ना हो एक छोटी सी चीज़ होती है ठीक है द गर्ल शी पुट्स इनसाइड हर सो दैट द सो दैट द कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी लाइट आई नो दिस इज पैराडाइज और फिलिप कह करें मुझे पता है कि सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है इट फील्स लाइक हैविन मजा आता है बट आगे चलते हैं एवरी वन ओल्ड हैज़ ड्रीम्ड ऑफ ऑल द लाइव्स अब वो क्या कह रहे हैं फिलिप लाकिन बोल रहे हैं कि हर इंसान ने जो हमारी पुरानी जनरेशन थी और मेरे से भी जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने भी इन चीज़ों के बारे में सोचा इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में सोचा उन्होंने भी अपनी लाइफ में पूरा डिज़ायर किया कि हमें भी ये मिलता है ना बॉन्ड्स एंड जेस्चर्स पुस्ट टू वन साइड लाइक एन आउटडेटेड कम्बाइंड हार्वेस्टर इन चीज़ों का मतलब है कि जो ओल्ड जनरेशन थी उनको अपनी वाइफ्स के साथ करने में भी चार बार सोचना पड़ता था बिकॉज मे बी देयर माइट बी कॉन्सिक्वेंसेस तो है ना बट इनको क्या जो आज की यंग जनरेशन उनको फ्री में मिल रहा और जब वो चाहें वो तब कर सकते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी है ना तो वो फिलिप लाकनी कह रहे हैं कि वो पर मैं सोसाइटी के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसी चीज़ जो शायद नहीं करनी चाहिए बट अब वो खुलेआम हो रही है और क्यों हो रही है क्योंकि आज की जनरेशन के पास चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए बट पुरानी जनरेशन ने भी ये चीज़ों करने की चाहत रखी थी द डिज़ायर टू डू सच थिंग्स बट दे कोड नॉट बिकॉज ऑफ सम कॉन्सिक्वेंसिस विच माई वुड हैव हैपेंड ठीक है इन चीज़ों तो की बात करें मे बी फ़िलिप लाक इन हिमसेल्फ डिजायर्स फॉर सच थिंग्स बिकॉज ही वॉज बैचलर ऑर ऑल हिज लाइफ ठीक है सो दिस इज़ माई परस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेंजा सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा इट्स अ वेरी सुपर इजी पोअम रीड करते करते यू विल गेट द आइडिया की वॉट इट इज है ना वॉट ही स्टाइल देखो कितना लोकल स्टाइल है ठीक है तो आगे भी हम नोट्स में देखेंगे सो सुनाओ

तेजी से चीज़ें चेंज हो जाएंगी चालीस साल पुराने वो क्यों बात कर रहे है? क्योंकि जब वो यंग था ठीक है तो वो कह रहा है कि मैं क्या था काम करता था रिलीजस था ठीक है अपना ध्यान काम में लगाना बट आज की जनरेशन थोड़ी फ्री है मतलब नॉट जस्ट बिकॉज कोई रीज़न है मतलब आज की जनरेशन को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइक सेक्स करने की नहीं सिर्फ लाइक स्ट्रिक्टली रिलीजन को अडेप्ट करना उन्होंने ठीक है ऐसी चीज़ों की भी वो बात कर रहा है मतलब ही इज़ बिट जेलस ऑफ करंट यंग जनरेशन बिकॉज ही कूडेंट गॉड दोज थिंग्स आई फील अबाउट हेल एंड दैट और हैविंग टू हाइड वॉट यू थिंक ऑफ द फ्रीस्ट ही and इज़ लॉटबल ऑल गो डाउन एंड लॉन्ग साइड like free bloody birds वो कह रहे हैं कि वो खुले पंछियों की तरह फ्री आज़ाद पंछियों की तरह दे this sexual activities ठीक है और उनको कोई डर नहीं है भगवान का प्रीस्ट का ना हेल में जाने का कि हाँ भी हम सेक्चुअल एक्टिविटीज़ करेंगे कॉन्टीन्यूसली और हम भगवान हमें सजा देंगे उनको ऐसी चीज़ों का कोई डर नहीं है कुछ फालतू तो चीज़ों का डर नहीं है ठीक है तो ये सब बातें कर रहे हैं वो प्रीस्ट का कोई डर नहीं है ठीक है कि आपके बारे में प्रीस्ट क्या सोचेंगे वॉट रिलीजन uh, का क्या होगा नथिंग दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट एंड इमीडिएटली रादर देन वर्ड्स कम्स द थॉट ऑफ हाई विंडोज द सन कॉम्प्रिहेंटिंग ग्लास एंड बियॉन्ड इट द डीप ब्लू एयर दैट शोज नथिंग एंड इज ना वेयर एंड इज एनलेस सो दिस इज़ द लास्ट स्टेंस ऑफ द पोम इसमें क्या बताया इसमें बताया कि हाई विंडोज क्यों नाम है ये पोम का हाई विंडोज क्यों नाम है इसमें ये कंसाइजली बताया सो so, जो विंडोज हाइट पे होती है वो क्या देखते हैं इनफिनिटी ऑफ वॉट ब्लू स्काई इन्फिनिटिवली ब्लू स्काई ठीक है और वो कहाँ पे जाता है इन टू नथिंगनेस इंफिनिटिवली डीप ब्लू स्काई विच लीड्स टू नथिंगनेस तो उन्होंने हाई विंडोज़ नाम इसलिए रखा है कि ये दो बच्चे जो सेक्चुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इससे आगे भी मतलब सेक्चुअल एक्टिविटीज़ के आगे भी दुनिया है आगे भी जिंदगी है बियॉन्ड दिस फिनिना देयर इज लाइफ लाक इन कन्वेज अस कि बियॉन्ड दिस सेक्चुअल फिनमिना देयर इज़ लाइफ एंड वी शुड फॉलो दैट थिंग ठीक है कुछ नहीं है और चीज़ें बस यही है सो वी एंड अ पोम बट नाउ यू विल गेट द समरी रीड इट क्लियरली एंड प्रिसाइसली रीड बिटवीन द लाइन्स दो पेजेस है समरी के दिस इज द फर्स्ट पेज एंड नाउ यू विल गेट द सेकेंड पेज द थिंग्स विच हैव मार्क्ड इन द रेड मेक श्योर यू राइट दोस थिंग्स इन एग्जाम्स नाउ द क्रिटिकल अप्रिसिएशन अनालिसिस ऑफ द पोएम दिस इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पेजेस ठीक है तो एक्चुअली uh, जो मैं रेड लाइन में लिखा हूँ वो पढ़ रही हूँ वेस्टर्न सोटा सोसाइटी टू डे इज मोर परमेसिव एंड दैट इज़ वो एंड दैट इट वॉज एट अ टाइम विन द पोम वॉजन अब वो कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो डोमिनेट कर रही है और लोग उसे इमिडिएट कर रहे हैं उसे कॉपी कर रहे हैं कि हमें वेस्टर्न सोसाइटी की तरह ही बनना है पीपल फील कि अगर हम वेस्टर्नस को नहीं कॉपी करेंगे उन्हें इमिडिएट नहीं करेंगे तो शायद यू वॉन्ट प्रोग्रेस है ना हम प्रोग्रेस नहीं होंगे हमारी ग्रोथ नहीं होगी बट दिस इज़ अ बहुत ही गलत तरीका है अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने का ठीक है सो फिलिप लाक इन वॉन्ट्स टू कन्वे की वी शुड बी ना कल्चर हमारा रिलीजन का कहता है हमें एक्चुअल में का क्या करना चाहिए वी शुड थिंक अबाउट दैट नॉट टू जस्ट इमिडेट द वेस्टनर्स ठीक है सो ये आप देख लेना और पढ़ लेना अब हम चलते हैं दिस इज योर सेकेंड पेज ऑफ एनालिसिस नाउ वी मूव टू सम क्वेस् उससे पहले क्रिटिक्स uh, को पर देख लेते हैं टू राइट क्रिटिकल कॉमेंट टू राइट क्रिटिक ठीक है सुपर इम्पॉर्टेंट इन एम ए इंग्लिश और आप बाकी भी देख लेना कि आपको uh, क्या आप लिख सकते हो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो मैंने क्रिटिक आपको दिया ही है ये तो आप लिख ही लेना अनडाउटडली ठीक है अब हम सिम्बलिज़म पर चलते हैं सो so, बिफोर जम्पिंग इन द सिम्बलिज्म ऑफ द पोम ये मुझे एक क्वेश्चन मिला था कि ये जो पोम है ये टेम्परेट जोन में क्यों है ठीक है सो so, मुझे ये क्वेश्चन बहुत लगा कि आता है एग्जाम में ठीक है और याद रखना जब भी आप कोई पोम अटैम्प्ट करते हो ना उसका एक स्टेंसा के ना कोई भी दो या तीन लाइन ज़रूर लर्न कर लेना एज इट इज़ और वो आप फ्रेम करके आना अपने आंसर्स में वो बहुत ज़रूरी होता है ठीक है दैट रियली गिवस एन इम्प्रेसिव मार्क्स ठीक है तो आई यूज टू डू दैट मुझे हमेशा उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं तो ये ज़रूर कर लेना ठीक है नाउ वी मूव टू नेक्स्ट सो सिम्बलिज्म ऑफ द पोम इज सुपर इंपॉर्टेंट ये तो आपको लिखना ही है कि वो कैसे टोन में लिखी गई है किस तरीके से लिखी गई है वॉट फिलिपलाकिन वॉन्ट्स टू कन्वेयस ठीक है यही कहना चाहते हैं फिलिप लाकिन की सेक्चुअल एक्टिविटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी कहना चाहते हैं कि आ, आज की जनरेशन को वो फ्री मिला या ओल्ड जनरेशन को वो नहीं मिला ठीक है वो कह रहे हैं वेस्टर्नर्स को कॉपी मत करो ठीक है हमें खुद का देखना चाहिए और उन्होंने हाई विंडोज़ मतलब हाई थिंकिंग ठीक है ये कहना चाहते हैं सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इट रियली टू कैन एफर्ट टू मेक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड uh make sure you note down what i have provided you in this video thank you